गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम क्लास प्लस वन केमिस्ट्री का टॉपिक करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है बोहर इज मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो बोहर मॉडल ऑफ एटम जो था हमारे पास, ये लिंक रिजल्ट था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब बोहर क्या था, बोहर ने रदरफोर्ड और थॉमसन के दोनों एटम के जो मॉडल रेडी हुए थे उनके रिजल्ट को लिंक किया, आपस में कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद एक कंक्लूजन निकला और उस कंक्लूजन के बेस के ऊपर दो न्यू कंसेप्ट दिए। और वो जो दो न्यू कंसेप्ट थे हमारे पास वो ये थे कि फर्स्ट जो था हमारा वो ड्यूल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब क्या था कि जो ड्यूल नेचर का मतलब होता है डबल नेचर, जैसे हमारा ड्यूल सिम होता है ना, इसी तरह ड्यूल नेचर, यही समझो आप। तो यहाँ पे ड्यूल नेचर का मतलब भी ये दो तरह की नेचर शो करती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहली कौन सी थी, वेव नेचर, दूसरी पार्टिकल नेचर। ओके बेटा, तो दूसरा जो कंक्लूजन निकला था वो क्या था हमारा, अटोमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन अ एटम। ओके, तो यहाँ पे क्वांटाइज मीन्स फिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एटम का था वो फिक्स था अटोमिक स्पेक्ट्रा के अंदर, इस चीज को उसने एक्सप्लेन कर दिया था। और ये सारी जो दो पॉइंट उसने दिए, इस पॉइंट के बेसिस पे हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम की शुरुआत हो चुकी थी, इसी चीज़ को हम बोहर मॉडल ऑफ एटम बोलने लगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहाँ पे वेव हमें पता है, ऐसे यहाँ से इस तरह से वेव, वो आगे हम पढ़ेंगे ये कैसे कैसे बन रही है हमारे पास। तो इन 1817 के अंदर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अब मैक्सवेल हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का एक साइंटिस्ट था जिसने थर्मोडाइनामिक्स या फिर एनर्जी ट्रांसमिट का कंसेप्ट हमें दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसने थर्मोडाइनामिक्स के अंदर, काफ़ी रिलेशन भी दिए थे। अब यहाँ पे क्या था, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इट इज़ द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू द अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव। इन दिस वेव बोथ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे जो हमारी वेव थी उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट थे, इस चीज़ को हमने क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहना शुरू कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट जो जहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहाँ पे कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स आए, पहला करैक्टरिस्टिक्स ये रहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी बेटा ध्यान रखना। ओके, तो फर्स्ट क्या था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को शो कर रहा था। और दूसरा जो पॉइंट था, अब बोथ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अरेंज परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब ये क्या है हमारा वेव, यहाँ पे हम वेव माने एक्स एक्सिस को, तो वाई एक्सिस को ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड और जेड एक्सिस इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। अब ये तीनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है बेटा, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल, वो आप समझ लेना, फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा किस तरह से ये परपेंडिकुलर है कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर किस तरह वो। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट था, थर्ड करैक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर वेव ट्रेवल इन द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी वो स्पीड ऑफ लाइट की लाइट के साथ ट्रेवल करती थी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बेटा, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फोर्थ जो पॉइंट था वो क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रैवल, इट कैन नॉट ट्रैवल द वैक्यूम। मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी ये वैक्यूम मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही थी, इसका कोई भी पर्टिकुलर मीडियम नहीं था। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, द अरेंजमेंट ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी इज नाउन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सिंपल डेफिनेशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक तरह की अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रखने की अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और उनकी फ्रिक्वेंसी के।
तो यहाँ पे देखो ये टेबल बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, और इस तरफ को हम जाते हैं इंक्रीजिंग द वेवलेंथ। तो देखो पहले आती है कॉस्मेटिक रेज, हमारे पास डिफरेंट रेज होती है, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज बेटा नॉट कॉस्मेटिक, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। ओके बेटा, यहाँ पे जो विजिबल होता है, विजिबल में हमारा विबग्योर बनता है बेटा, ये आपके बुक में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हो, वहाँ से पढ़ लेना। अगर किसी को ना समझ आए तो मुझे कमेंट करना, तो इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो विजिबल क्या होता है, मोस्ट ऑफ हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वो हम विजिबल रेडिएशन के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, बहुत अच्छी तरीके से वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे जो विजिबल की रेंज होती है, तो यहाँ पे कितनी होती है, 3300 से लेकर 73,000 अंगस्ट्रॉम तक होती है बेटा, सॉरी 7,600 अंगस्ट्रॉम बेटा, देख लेना पंजाबी में क्या बोलते हैं इसे। ओके, तो नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव मोशन। अब देखो वेव मोशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, वेव को कभी भी ये हमारी एक्सिस बना ली हमने, एक्स एक्सिस कोई भी एक्सिस मान लो बेटा, यहाँ पे जब भी वेव इस तरह से हमारी प्रोड्यूस होती है, पर हमें दिखाई नहीं देती, वाइब्रेशन के थ्रू इसी तरह होती है, ये क्रस्ट और थ्रस्ट। ओके, तो यहाँ पे जो इसकी हाइट होती है बेटा, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, सॉरी एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं लैम्डा, जिसको हम वेवलेंथ बोलेंगे। ओके बेटा, तो ध्यान रखना, ये सिर्फ आप डायग्राम को रिप्रेजेंट देख लेना किस तरह से है, बाकी आप समझ ही जाओगे। अब क्रस्ट क्या होता है, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या होता है, देखो ये अपवर्ड वाला एरिया होता है ना, ऊपर वाला एरिया, ठीक है जी, ये वाला एरिया, आप चाहे अंदर वाला ले लो चाहे बाहर वाला, उससे कोई वो नहीं होता। तो ये क्या होता है हमारा क्रस्ट, और दूसरा क्या होता है जो डाउनवर्ड वाला होता है, डाउनवर्ड वाला कौन सा रहेगा, थ्रस्ट वाला एरिया। अब बेटा अगर बाहर वाला लोगे तो ये भी बाहर वाला, अगर अंदर वाला तो यहाँ से भी अंदर वाला। तो ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको देख लेना ध्यान से। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। ओके बेटा, तो यहाँ पे कुछ वेव मोशन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ऑल वेव मोशन, यहाँ पे डिफरेंट कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स रहेंगे हमारे, वेव लेंथ हो गया, फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, ये सारे हमारे डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वेव। ओके बेटा, तो जैसे हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन देखा, यहाँ पे हमारा वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं बेटा। ये यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिखी गई है, आप इन डेफिनेशन को अपनी बुक के ऊपर से देखना, एनसीईआरटी में बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है, वहाँ से आप इनको पढ़ना। अगर कोई डाउट आए तो पूछ लेना, जब भी हमारे न्यूमेरिकल होंगे तो इन डेफिनेशन को हम वहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे, और आपको न्यूमेरिकल के अंदर इनकी वैल्यूज़ कैसे सेलेक्ट करनी है, किस तरह से न्यूमेरिकल फाइंड आउट करने हैं, वहाँ से हम इसको क्लियर करेंगे। ओके बेटा, तो अगर फिर भी आपको इस टॉपिक में कोई डाउट आएगा तो मुझे आप कमेंट करना, तो आपके लिए इसके रिगार्डिंग पर्सनली हम आपको वीडियो बनाकर सेंड कर देंगे। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहाँ तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पार्ट नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके, तो लास्ट पे यही, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।